स्वागत है सर आपका। हाँ जी नमस्कार जी। मैं नमस्कार सर यहाँ सहारनपुर से बोल रहा हूँ जी। जी, बताएं। मैडम ये मेरे को दमे की बीमारी है 25-30 साल से, और ये माजू नार के भी आपके खा रहा हूँ, और इन्होंने ए केयर भी दिया है, लेकिन पीछे मेरी स्थिति बहुत तेज खराब हो गई थी, फिर मेरे को अस्पताल जाना पड़ गया था। अब वही हकीम साहब से पूछना था कि इसका कोई समाधान है क्या। ठीक है। जी बीच में बहुत ज्यादा हकीम साहब, हाँ देखिए, अगर बहुत ज़्यादा दमा है तो आपको डॉक्टर्स की दवाएं भी लेनी चाहिए। एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे लंग्स जो हैं बहुत कम काम करने लगते हैं। लंग्स काम करने के लिए उन्हें पूरी तरह फूलना चाहिए, फिर सिकुड़ना चाहिए, फूलना चाहिए, फिर सिकुड़ना चाहिए। अगर ये पूरी तरह नहीं फूल पाते हैं तो समझ लीजिए लंग्स में काफ़ी परेशानी है। तो एलोपैथिक इलाज तो छोड़े नहीं, और जो माजून आप हर केयर खा रहे हैं वो गर्म पानी से खाएं। एक बार खा रहे हैं तो दो बार खाएं, और एक घरेलू नुस्खा भी मैं अक्सर बताता हूँ जो काफ़ी कारामद है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगता है। सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान एक दवा का नाम है, उनाब एक दवा का नाम है, और अलसी आप जानते ही होंगे। ये तीन चीज़ें लें 100-100 ग्राम, सपिस्तान, उनाब, अलसी। उनाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और ये चीज़ें तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेनी है। और इसमें आपके किचन में जो पीपला मूल कहलाती है, पीपले भी कहते हैं, पीपला मूल भी, ये 30 ग्राम लें। इनको मिलाकर इनको पाउडर बना लें, एक चम्मच सुबह खाएं खाली पेट गर्म पानी के साथ या चाय के साथ, एक चम्मच रात को सोते समय लिया करें, और अपना इलाज डॉक्टरों से चलने दें, और कम से कम साल 2 साल दवा खाएं। अगर पुराना मर्ज है तो इतना वक्त लग सकता है। नाटक से हैं सलमा जी, स्वागत है आपका। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि मेरे गले में तकलीफ हो रहा था, तकलीफ हो रही थी सर बहुत दिन से। मैं धनिया का पाउडर लगाना पीती थी, और मैं स्कैनिंग मैट का स्कैनिंग कराई हूँ, वो थायराइड की जगह इंफेक्शन होके गांठ निकल गई है। वो गांठ निकल को तो 1 महीना ट्रीटमेंट करी, मैं थोड़ा कम है, फिर भी थोड़ा दर्द हो रहा था में। मैं ये धनिया का पानी भी ले रही हूँ, धनिया का पानी सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन वो थायरॉइड का खून चेक करे तो, लेकिन उससे थायरॉइड नहीं निकला सर, लेकिन थायरॉइड के जैसे एलोपैथी ये कराए हैं ट्रीटमेंट, लेकिन भी हो क्या हाल है सर, थोड़ा बताए जी। देखिए लंबा इलाज है, और थायराइड की दवा भी न छोड़ें, और जब थायराइड का इलाज सही नहीं मिलता तो उसकी वहाँ पर गांठ अक्सर हो जाती है। तो नमक जैतून एक दो चुटकी, और धनिया, आंवला और मेथी 100-100 ग्राम खरीद कर इनका पाउडर बनाएं। इस पाउडर को एक चम्मच खाएं, और नमक जैतून के पानी से खाएं, दिन में 2 बार लें, और डॉक्टरों की दवा भी लें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी मलीना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। आदाब, जय हिंद, स्वागत है आपका। हम तो ठीक है मैम, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये एक चीज बताऊंगी आपसे, डॉक्टर साहब ने ये बताए थे मुझे, ऐसा ना वो जो गर्दन की एक्सरसाइज जो है, तो उस एक्सरसाइज से मतलब हाथ की झंझनाहट वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने एक पेशेंट बताया जो गर्दन के लिए जो दर्द है वो साइवरकल कहती है, मगर वो उसकी जो एक्सरसाइज है गर्दन की तो उससे झंझनाहट भी खत्म हो जाती थी। जी, हो जाती है। और हाँ, और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, ये जो कान में हस्बैंड की जो तकलीफ है, मतलब कान बंद हो जाती है उसके बाद नाक भी बंद हो जाती है, तो इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। और तीसरा नंबर जो है, मैंने जो वो गोन रिंगा
एक साल से ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब, अब तो एक टाइम करके लेना है, मगर कभी कभी जैसा वो एड़ी में दर्द होती है या कभी कमर में भी कभी कभी, तो ये कभी जाएगी नहीं डॉक्टर साहब। और चौथा नंबर है जो बालों के लिए हमने गनमरिंगा इस्तेमाल करा, ये बच्चों के लिए देना ठीक है? जो एक की 24 एज है और एक की 33 प्लस। आप घर का काम, मलीना जी घर का काम खुद करती हैं? नहीं, घर काम करने वाली है और वो जो लेटिन जो है वो भी कमर वाली है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, आप दर्द के लिए गौन मोरिंगा की बात कर रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास गौन स्याही होगा, तो वो एक टाइम ले रहे हैं, आप उसे लेते रहिए, पंजों के बल ना बैठा करें, उकड़ू ना बैठा करें, वेस्टर्न टॉयलेट आपके पास है ही। और क्या सवाल है? कान नाक बंद हो जाते हैं इनके। हाँ, वो एक्सरसाइज आपने कहा था, वो उससे भी एक्सरसाइज से भी कान में बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज अपने हस्बैंड को भी कराइए और ऐसी दवाएं जो नज़ला ना होने दें, खांसी बलगम ना होने दें और नज़ले को खुश कर दें, ऐसी दवाएं आपको लेनी है आपके हस्बैंड को, तो फिर ये धीरे धीरे ठीक होगा। एलोपैथ आप ले ही रहे होंगे, यूनानी में आप सपिस्तान उन्नाव अलसी का नुस्खा जो 100-100 ग्राम खरीदते हैं, सपिस्तान उन्नाव अलसी 100 ग्राम खरीदें, उन्नाव की गुठली निकाल कर फेंक दें, 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम दें, इससे उनके नज़ले के असरात ख़त्म होंगे, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। बालों के लिए गौन मोरिंगा, बालों के लिए तो गौन मोरिंगा आपने कहा है लेती ही हैं, और बच्चियों को भी आप 1 ग्राम रोजाना दे सकते हैं जी। आशा जी स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका आशा जी। सर, जो मैंने मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लगवाए हैं तो वो कैल्शियम की टेबलेट भी खाना है या नहीं? ठीक है। और सर मेरे ये जो कंधे हैं ना, तो दोनों साइड जो गड्ढे रहते हैं ना होल टाइप, तो मेरे राइट साइड का जो बहुत अंदर, मतलब ऐसे अंदर गड्ढा होते जा रहा, तो उसके लिए कोई दवाई बता दीजिए। और सर मेरा तीसरा सवाल है, मेरे हस्बैंड को एक्जिमा है, पर वो एक्जिमा की जगह पे 2-3 महीने में सर वो फोड़ा हो जाता है और पक जाता है, फिर डॉक्टर की दवाई लेने के बाद अच्छा हो जाता है। और सर मुझे ना एक सर का फोन आया था अतिहर्ब से, बोले हम अतिहर्ब से बोल रहे हैं मार्च के महीने में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले मैडम, बोले आपके बोले 8 लाख का बोले गाड़ी खुली है, तो बोले आप लेके जाओ। तो मुझे तो सर विश्वास नहीं हुआ, मुझे पता था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगाया और सर से कहा कि मेरे हस्बैंड से आप बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोले हमको सर से बात नहीं करना, बोले आपसे ही बात करना है, आप 8 लाख रुपए भेज दीजिए। मैं बोली नहीं, मैं तो बिना इजाजत के नहीं भेज सकती। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फोन लगाया, उनसे बात कराई, तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही उनको कहा कि मैं महाराष्ट्र पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, तो सर उन्होंने वैसे ही कॉल कट कर दिया। हाँ देखिए, आपने ये सवाल किया है तो बता दूं कि हमारी तरफ से कोई भी गाड़ी आपको नहीं दी जाती, और 25,000 जमा कर दो 8 लाख की गाड़ी देंगे ये वो, हम ऐसा कुछ नहीं करते, ना मैं पर्सनली किसी को फ़ोन करता हूँ। कोई है जो मेरी आवाज़ बनाकर आपसे बात करता है कि हकीम सुलेमान से बात करा देंगे, ऐसा भी हम नहीं करते। मेरे पास भी एक ऑडियो आया है, किसी मरीज ने भेजा है, उसने रिकॉर्डिंग करके, तो मेरी आवाज़ बनाने की कोशिश करता है। तो कोई भी ऐसी चीज़, आप खुद समझदार हैं क्योंकि आपके हस्बैंड और घर वाले तो जा चुके होते हैं, जब इस वक्त में वो सब दफ्तर में होते हैं या काम पे होते हैं, वो महिलाओं को घर में अकेला पाकर उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि हम कोई ऐसा ऑफ़र आपको नहीं देते लाखों रुपए का, या इतना 10 लाख आपसे मांगते हैं, हमारा तो वो 10-20 रुपए रोज़ की दवाई होती है, वही पैसे देने होते हैं, वो भी जब दवाई आपके हाथ में पहुंच जाए, आपको विश्वास हो जाए,
तो हमारे यहाँ से एक ही नंबर से आपको कॉल आएगी, जिसको आप ट्रू कॉलर में देखेंगे तो वो हमारे ही नाम से होगी, तो उनकी वो भी आप ट्रू कॉलर में देख लिया करिए, आप समझ जाएं कि वो नकली कॉल है। और ओटीपी नंबर हमारी तरफ से दिया जाता है, तो वो ओटीपी नंबर सिर्फ आपके पास होता है या हमारे पास, उसका मिलान करें, इत्मीनान करें, तब दवाई लें। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और आप भी हमारी इस मामले में मदद करें। हम उन सबको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं आपकी मदद से। अगर आपके हाथ लग जाए तो उनकी हजामत भी कर दें और पुलिस के हवाले भी कर दें, और आप जहां पर हैं वहीं पर हम आपकी पुलिस से या क्राइम ब्रांच से मदद कराएंगे। आप हमें फ़ोन करें और उनको पकड़ लें। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है दवाओं के साथ, और कभी कोई दवा हाथ में आ जाए नकली तो फिर उसे इस्तेमाल ना करें, पता नहीं वो कैसी दवा हो। बहुत परेशान हैं हम, हमारी परेशानी में आप हमारी मदद करें, बहुत एहतियात से सब कुछ करें। और सवाल बता दीजिएगा, ये कैल्शियम की जो इंजेक्शन ले रही हैं उसके साथ कैल्शियम की टैबलेट खा सकती हैं? नहीं, आप आयरन के इंजेक्शन ले रहे हैं, और कैल्शियम की टैबलेट आप एक हफ्ते में एक ज़रूर खाया करें, आपको फ़ायदा रहेगा। एक्जिमा हस्बैंड को? हाँ, एक्जिमा के लिए गौंद चिलगोजा एक चुटकी रोज़ाना उन्हें खिलाया करें। मुझे उम्मीद है आपके हस्बैंड को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इन्होंने गड्ढों का जिक्र किया है पैरों में। हाँ देखिए, गौंद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं गौंद सिया, तो वो आप एक बार कर रहे हैं तो दो बार करना शुरू कर दें। पानी से कर रहे हैं तो दूध से शुरू कर दें, आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। बिल्कुल, हिमाचल से हमारे बहुत पुराने दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। हकीम साहब सलाम। आदा, वाकई बहुत याद आ रहे थे आप राकेश भाई, कैसी तबीयत है? अभी ठीक है सर, दवाई खा रहा हूँ उसका, शुगर का मेडिसिन, शुगर का दो है जी, वो चलता है लगातार जी। दूसरा मैं किम साहब एक पूछना था, मेरे पास ना पहले का पड़ा हुआ दूसरा गौंद सिया, काला गौंद जो है, और गौंद मरिंगा भी एक डब्बा पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है, नमक जैतून भी पड़ा मेरे पास, वो शुगर में जब हो गया फिर मैं उसको यूज नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी एक्सपायरी वगैरह तो नहीं हो सकती कोई? ठीक है जी। देखिए, 2 साल एक्सपायरी होती है, जब आपने लिया था उससे 2 साल तक ये ख़राब नहीं होता। आप देख लीजिए कब लिया था अंदाजे से, और अगर ये पाउडर बन जाए तो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर ये वैसा ही रहे तो ख़राब होने में देर लगती है जी। तहसीन जी लखनऊ से स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप कितने, आप कैसी मैम? हम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वाले सलाम, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत लेट हो रहा है लेकिन जब कॉल लगी तो हम भी याद कर रहे थे आपको। जी शुक्रिया जी। मैं, मेरे 2-3 सवाल हैं, लिख लीजिएगा। बताएं मैम। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, हमने अदरक के पेस्ट में जैतून का सिरका मिलाया है 1 चम्मच, तो वो खाना पकाने में यूज कर सकते हैं? जैसे सब्जी है, सालन है, ये सब पकाने में उस अदरक के पेस्ट का हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? जैसे अभी हमें ये नहीं पता कि उसको यूज किया जाता है कि नहीं जैतून के सिरके को। ठीक है, मेरा पहला ये सवाल है। और दूसरा मैम मेरा ये सवाल है कि जैसे अमरूद खान, मतलब ऐसे नॉर्मली खाने में बड़े फायदे के होते हैं, क्या उसको भून कर खाने में कुछ नुकसान है या उसके भी उतने ही फायदे मिलते हैं जितना मतलब ऐसे नॉर्मली अमरूद खाने में होते हैं? ठीक है, बड़े अच्छे सवाल। ठीक है, और बस यही दो पहले बता दीजिए, फिर बाद में बात कर लेंगे। चलिए ठीक है जी। देखिए, अमरूद अगर खाया जाए बगैर भुना हुआ तो किसी को खांसी कर सकता है, थोड़ा ठंडा होता है, और अगर अमरूद को भून कर खाया जाए तो ये खांसी को अच्छी करता है। ये बहुत पुराना नुस्खा है, मेरी माँ मुझे देती थी जब मैं खांसी हो जाती थी, तो अमरूद थोड़ा सा कच्चा थोड़ा पक्का उसे हल्का सा भून कर फिर खिलाती थी, तो खांसी ठीक हो जाती थी।
खांसी के, क्योंकि आप ऐसे नुस्खे पूछ रही हैं जो मेरी वालदा से भी मुतालिक है और मेरे बचपन से मुतालिक है। जब कभी बुखार हो जाता था तो ये पैरासीटामोल, ये क्रोसिन कोई नहीं जानता था। मेरी माँ अपने हाथ की से बनाई हुई सिवैयाँ जो अपने हाथ से तोड़ती थी तो उसको भून के रखती थी, हल्का सा भून के रखती थी, और जब किसी को बुखार नज़ला खांसी हो जाता था तो सिवैयाँ उबाली पानी में, और सिवैयाँ तो छोड़ दी, पानी में हल्का सा खाने का सोडा या नमक मिला के और मीठा मिला के हमें पिला देती थी, तो इससे बुखार भी उतर जाता है, सर्दी के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं और खांसी बलगम भी ठीक हो जाता है। और एक सवाल था इनका जी, अदरक का जो इन्होंने पेस्ट बना रखा है उसमें जैतून का सिरका है। जी देखिए, अदरक हो या लहसुन, इसके पेस्ट अक्सर ख़राब हो जाते हैं, और सिरका एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि अगर सिरका इसमें मिला दिया जाए तो ये ख़राब नहीं होने देता किसी पेस्ट को। तो आप इसमें मिला के ज़रूर रखा करिए और इसे आप इस्तेमाल यकीनन कर सकते हैं, खाने में सालन में इस्तेमाल हो सकते हैं। जी संतोष जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार बेटा। नमस्कार मैम। पटेल जी को मेरा आदाब। आदाब संतोष जी, आपका नाम आते ही मुझे लगता है कि वाकई करोड़ों दुआएं जी मेरी तरफ से आपको। संतोष है वाकई, आपका नाम वाकई संतोष है और सही है। बिना धर्म बिना जाति देखे आप इतनी ठंड में लोगों की सेवा करते हैं, मेरे मालिक को ऐसे ही लोग पसंद है। बेशक बेशक, आप भी बहुत अच्छी हैं, बहुत दिल वाली हैं, बहुत खुले दिमाग की हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, हम आपका खास आदर करते हैं। जी मैं तो ऐसी हो जाऊँ कि बस अपने मालिक का नाम जपती रहूँ, थोड़ा सा मुझे रहने का थोड़ा सा आराम मिल जाए बस, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं काम नहीं कर सकती, ना करूँ कोई नहीं, मुझे काम वाली लग रही है मेरी, और अपने पति का खाना बना दूँ बस, वही बात है। और जी मेरा सवाल, और देखो मेरे पास यहाँ पर दवाई आई है यूना यूर मार्केटिंग से, उसमें आपके ही लेबल लगे हुए डब्बे हैं और उसकी पैकिंग पर भी आपका फोटो छपा है। अब नहीं पता वो नकली है असली है, मैं कैसी दवाई ले रही हूँ पता नहीं। इसी नहीं, वो हमारी कंपनी अनायुर UN से शुरू है, वो हमारी कंपनी है, मार्केटिंग की कंपनी। उनायूर मार्केटिंग। उनायूर मार्केटिंग। अच्छा जी मेरे आपसे सवाल है कि मुझे एसिड बहुत बनता है, मैंने पेट की वो करवा ली है, मुझे कुछ नहीं है पेट में अंदर, लीवर में इतना मतलब एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा कि मैं कुछ खा नहीं सकती, इतनी जलन हो रही है बहुत ज्यादा। और एक दवाई से दूसरी दवाई के बीच में कितना अंतर रखूं, और जो आपने सुन्नी वाला बताया था ना वो मैं रोज करती हूँ, उससे भी कुछ मुझे नहीं आराम पड़े। ठीक है ठीक जी। एक तो जब भी इनका कॉल आता है तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, बिल्कुल। इनकी बातचीत ऐसी है जैसे बहुत बड़े विद्वान करते हैं, बिल्कुल ऐसी बातचीत है। सिर्फ विद्वानों में ही मैंने ये बात पाई जो अंदाज आपका है या आपके अंदर पाई, भगवान आपके लिए आसानी करें। और ये दवाई हमारी है अनायुर मार्केटिंग। क्या सवाल था इनका? सवाल है इनका एसिड जलन बहुत ज़्यादा होती है जी। देखिए इतनी दवाइयाँ आप खाते हैं, और अगर कोई एलोपैथिक दवाई दर्द की आप खाते हैं तो उसके साथ एसिडिटी की दवाई खाना ज़रूरी है, नहीं तो ये बीमारी हो जाती है कि जब भी वो खाते आराम मिले ना मिले लेकिन वो एसिडिटी बनती है। अच्छा फिर इतनी दवाई खाने वालों को सब जगह वर्म हो जाता है, लीवर पर, आंतों पर, मैदे पर, अमाशय पर, सब जगह वर्म हो जाता है। तो आपके गांव में अगर मिलती हो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आप जानती हैं, सौंफ, मको और कासनी, तीन चीज़ें हैं, कासनी, मको और सौंफ, ये तीनों चीज़ें आप ऐसे 20-20 ग्राम 30-30 ग्राम लें
और इसे एक लीटर पानी में डाल दें और इतना इसे जलाएं कि 100 ग्राम पानी जल जाए, फिर इसे छान के रख लें और इसमें नमक जैतून 2-3 चुटकी मिला के रख लें एक बोतल में, और ये रोज़ पिया करें, पूरी बोतल ख़त्म कर लें। तो इससे लीवर एसिडिटी, कब्ज, ऐसी बवासीर जैसी वर्म की चीज़ें निकल जाती हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, कासनी सभी जानते हैं, कासनी, मको और सौंफ, इनका पानी जितना पिया जा सके, ये नुकसान नहीं देती, इतना पीजिए नमक जैतून मिला के इसमें, ये तो पेट के लिए है। और एलोपैथिक दवाएं भी लेनी पड़े तो ले लिया करिए। मेरी बढ़िया दिमाग और दिल आपकी तरफ लगा हुआ है कि कब आप कहें कि आपको भगवान ने फ़ायदा देना शुरू कर दिया, उस दिन मैं बहुत और ज़्यादा शुक्र करूँगा भगवान का, जिस दिन आपको फ़ायदा होने लगेगा। जी, जिंद से हैं महावीर जी, स्वागत है आपका। महावीर जी आप लाइन पे हैं? हाँ जी। जी सर बताएं। हाँ जी, ऐसे है, हम पहले भी, अब आप का लाइव प्रोग्राम काफी दिन के बाद आया है जी, तो मैं एक तो वो बताना चाहता हूँ कि मेरी मैडम जो चल रही थी दवाई आपकी बनाई हुई मैं लिया करता, वो तो भगवान ने प्यारी हुई। अच्छा। और मेरे जो ब्लॉकेज हैं इनके लिए मैंने वो नुस्खा बना रखा है, ये अदरक लहसुन नींबू उसका, लेकिन अब सर्दी में वो नींबू से बाजू में दर्द रहने लग गया, वो ले नहीं पा रहा मैं, उसकी कोई काट हो। ठीक। और दूसरी चीज है जो मेरी गर्दन है ये कम, पहले भी कम मुझे आती लेकिन काफी कोशिश कर रहा हूँ मैं, अब कुछ तो मुड़न लग गई, लेकिन इसकी इसमें कैल्शियम जम रहा है ऊपर जो ये हड्डी है इनमें, ये कैल्शियम किसी तरह से पिघल सकता है क्या, इससे ये फ्लेक्सिबल हो जाए मेरी गर्दन, दाएं बाएं मुड़न लग जाए ऊपर नीचे, ये गया। दो सवाल है। ठीक है सर। देखिए अगर थोड़ी सी भी आपकी गर्दन का मूवमेंट है ऐसे या ऐसे तो ये कैल्शियम हट सकता है, हमारे यहाँ पर कैल्शियम ही जम जाता है, वो सख्त हो जाता है, फिर गर्दन को मोड़ने नहीं देता। तो अगर मूवमेंट है अभी तो उसे करते रहिए, यहाँ की मालिश भी खूब कराइए और मूवमेंट जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आप करते हैं वो ज़रूर करते रहिए, और जितना चाहे करें, दर्द हो तो दर्द की दवा खा कर करें। और आपकी पत्नी का मुझे बहुत अफसोस, और शायद यही बेहतर था आपके लिए भी और उनके लिए भी कि भगवान उनको वहीं पर सुरक्षित रखे। ओह, आपने बड़ी सेवा की अपनी पत्नी की, वाकई बहुत कम हस्बैंड ऐसा कर पाते हैं जितनी आपने उनकी केयर की। और बस मैं थोड़ा सा तकलीफ में आ गया ये बात सुन के। और क्या सवाल था? नींबू से दिक्कत हो रही है। आप चाहें तो उस नुस्खे में नींबू ना मिलाएं, और उसे अगर बगैर नींबू के ही पीना चाहें तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा। और अगर फिर भी कुछ अलग लेना चाहें तो नमक जैतून और खाने का सोडा एक एक चुटकी 3 बार पानी में मिलाकर आप लिया करें, ये भी बहुत तेज़ी से हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। बिल्कुल। स्वागत है आपका विद्या जी। हेलो। हाँ जी। जी मैम बताएं, सवाल करें। विद्या सांगवान है जी, विद्या नाम से ही बोल रहा सीधा। ठीक है। हिसार से बोल रही हूँ मैं जी, हरियाणा हिसार। तो ये बात करवा सकते हैं क्या? ये बात हो रही है विद्या जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है, क्या सेवा? सवाल तो मैं दवाई ले रही हूँ और मेरे को काफी आराम भी हुआ, पर उठने बैठने की दिक्कत है, तो बात करवा दीजिए सलेमान जी से। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ सलेमान, बात कर लेंगे और फिर आप देख लो सोच लो। मैम सर बात कर रहे हैं आपसे, आप हकीम साहब से बात कर रही हैं जी। हाँ जी, हाँ जी विद्या जी, हाँ जी। स्वागत आपका, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ, आपको फायदा है। और आपका कितना वजन है, वेट ज्यादा तो नहीं है?
वजन तो बेहतर होएगा। ठीक है, हेलो, क्या सवाल है बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उठने बैठने में चलने में थोड़ी सी दिक्कत है, नसों में दर्द है मेरे, तो वो कैप्सूल फुसा रखे हैं नसों के, वो ले रही हूँ, एक टाइम सियागोल ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है, और पूछना ही था बस, और कोई खास बात ये नहीं है कि भाई दवाई तो चल ही रही है, दवाई तो लेते साल हो गया मुझे, जनवरी से जनवरी 19 जनवरी को साल हो जाएगा। कितना फायदा लगता है अभी तक आपको? कितना फायदा हुआ होगा? फायदा तो घुटने ठीक हो गए मेरे, और बाकी नसों में दर्द तो है ही। ठीक है, ठीक, चल रही है, कैप्सूल फुसाए थे वहां से। ठीक है, हाँ देखिए, एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का जरूर इस्तेमाल करें अपनी जरूरत में, वेस्टर्न टॉयलेट जो कुर्सी वाला शौचालय है। और देखिए जो महिलाएं हैं ये बहुत जिम्मेदारियां होती हैं इन पर, तो यकीनन आप पर भी होंगी और पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है घर में रहती है इनको क्या काम है, लेकिन ये झाड़ू पोछे जैसी परेशानी ना उठाएं आप, किसी और से करा लें इलाज के दौरान। और वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 किलो वज़न कम कर लें, चाहे तो डाइटिंग से करें या नमक जैतून और खाने का सोडा एक एक चुटकी पानी मिलाकर दिन में 2 बार कभी भी लिया करें 6 घंटे के फासले से, नमक जैतून और खाने का सोडा एक एक चुटकी 2 बार लिया करें, 10 किलो वज़न कम होगा, तब आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी रतन जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी, मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ जी। जी सर बताएं, सवाल करें। मेरे सर 2 सवाल है जी। बोलिए। एक तो सर मैडम मेरे को ना ये 2 महीने पहले चोट लग गई थी कंधे पे जी, वो कंधे का ज्वाइंट उखड़ी निकल गया था जी बाहर। ठीक है। अच्छा, वो डॉक्टर ने सेट तो कर दिया था पर दर्द नहीं जा रहा जी उसका। ठीक है। हाँ जी, अरे एक मेरे मिसिज का एक सवाल है जी। उनको ना दिल की धड़कन बढ़ जाती है जी, तो उसके लिए क्या किया जाए जी? उम्र बता दीजिए आप अपनी भी और मैम की भी। मेरी 68 है जी, मिसेज की 69 जी। ठीक है सर जी। हाँ देखिए, कंधे के में जो दर्द है उसके लिए एक आता है गोंद सियाह, सियाह कहते हैं काले को, असली गौंसिया लें और आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं, खाने के पश्चात पानी या दूध से, वजन ज़्यादा है तो पानी से और कम है तो दूध से ले सकते हैं, खाने के बाद 2 बार आधा आधा ग्राम, आधा ग्राम कहते हैं तकरीबन जो बड़ा वाला चना होता है ना, काबली चना जिसे कहते हैं, उसके बराबर है। तो ये किसी भी तरह के दर्द या जोड़ों का हो, घुटनों का हो, कमर का हो, मोंडों का हो, कंधों का हो, इसके लिए है। और आपकी पत्नी के लिए ये आपके किचन में खाने का सोडा है, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, एक चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में डालें। और एक आता है नमक जैतून, एक तरह का नमक होता है जो ब्लड प्रेशर और धड़कन को कम करता है, नमक जैतून ये 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर दिन में 2 बार उन्हें पिलाएं तो उनको फायदा होना मुमकिन है। जी तस्वीर जी, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो मैम बताएं। मेरे को ना ऐसे तो अस्थमा भी है, साइनस है। ठीक है। वो मैं पंप लेती हूँ, तो मैं आपसे पहले भी 3 साल से दवा दी थी, 5-6 महीने खाई थी, वो शायद की तरह थी, तो मेरे को आराम नहीं मिला, फिर मेरे को बच्चे अपने साथ ले गए। हेलो जी, हम सुन रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए, दमा अस्थमा ये बड़े रोग हैं लंग्स के, फेफड़ों के। अब एक तो वही इलाज है जो आप कर रहे हैं,
पंप ले लिया या स्टेरॉइड ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिए, तो ये धीरे धीरे आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। यूनानी की कुछ दवाएं ऐसी हैं कि उनसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जिसमें मैं एक नुस्खा बताता हूँ। सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये तीन दवाएं ऐसे 100-100 ग्राम खरीद कर और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और उसमें पाउडर बना लें, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं। ये तीनों दवाएं 100-100 ग्राम, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बना के रख लें। आपको अस्थमे की दवाएं, पंप और स्टेरॉइड और ये सब चीज़ें तो लेनी ही है ज़िंदगी भर, आप ये कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये दवाएं नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और नुकसान को रोक लेती हैं। तो ये साल दो साल तक खाएं और भगवान से खूब मदद मांगें, क्या पता आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन हो। सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी सर। हाँ जी, गठिया गठिया गठियाल बीपी शुगर है। उम्र कितनी है? उम्र 62। ठीक है जी। और देखिए, एक एक करके इलाज कर ले। सबसे जटिल रोग है गठिया, सबसे पहले उसका इलाज कर ले, बाकी दवाएं आप एलोपैथ की खाते रहे। ये जो अलसी है, आप जानते होंगे फ्लैक्सीड को अलसी कहते हैं। अलसी को 200-300 ग्राम खरीद कर हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अलसी लीजिए 200-300 ग्राम, हल्का सा भून कर, ज़्यादा ना भूने, पाउडर बना के रख लें अलग। और एक आता है गोंद सियाह, गोंद जैसे आते हैं ऐसी ये गोंद सियाह कहते हैं इसे, क्योंकि ये काला है रंग में और कड़वा है, इसलिए हम इसे गोंद सियाह कहते हैं। लेकिन ख़बरदार, ये नकली बहुत लोग बेच रहे हैं, तो असली गोंद सियाह लें और 100 ग्राम खरीदें, अलग से इसको पाउडर बनाएं, ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, इसको अलग से पाउडर बना लें, और आधा चम्मच अलसी और उसमें 2 चुटकी गोंद सियाह मिलाकर रोज़ाना 2 बार खाने के पश्चात पानी से या दूध से दें, और ये 3-4 महीने दें तो गठिया के रोग को फ़ायदा मुमकिन है। जब इस रोग में फ़ायदा हो जाए तो आप अगला नुस्खा भी मुझसे मालूम कर सकते हैं जी। एमपी से हैं दीपा चंदवानी जी, स्वागत है आपका। जी मैम, राधा स्वामी मैम, आपसे आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। राधा स्वामी भाई साहब, आज मैं ना मतलब मेरे को ना पेट में गोखरू निकला है, लेकिन वो फट गया है, तो इतना दर्द होता है, उसको भी 1-2 महीना हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सर से पहले मैं पूछी थी तो उन्होंने मतलब बिना फटे गोखरू का इलाज बताया था कि मैदा और देसी घी और हल्दी मिला के उसमें बांध दिया करूं, लेकिन ये फट गया है, मेरे को बहुत दर्द दे रहा है, तो उसके लिए क्या करूं? और दूसरा सवाल है मैम कि जिन बच्चों को थैलेसीमिया है, ब्लड चढ़ता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, 14 का हो, 8 का हो, 6 का हो? और मैम दूसरा सवाल मेरा, तीसरा सवाल ये है कि जैसे कोई मतलब लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसको 1-2 महीने के बाद जैसे ब्लड चालू हो जाता है, तीसरे महीने, चौथे महीने, दूसरे महीने, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए कि उनकी जैसे ब्लीडिंग बंद हो जाए करके? ठीक है, वो रिपोर्ट। और ब्लड में ना मेरी बहू जैसे मैडम वो प्रेगनेंसी थी उनको, तो ब्लड में ना इन्फेक्शन बताया है उनको, रुबेला और वायरस इन्फेक्शन बताया, तो उसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी मतलब रुक नहीं पाई, ब्लड में इन्फेक्शन, उसमें ना रुबेला और वायरस का इन्फेक्शन बताया है, ठीक है, और साइटोमेगालो वायरस,
तो इस वजह से ना उसकी प्रेगनेंसी रुक नहीं पाई। अब उसके लिए मैडम ने उनको एक टीका लगाया है और टेबलेट दी है 20 दिन की कि ये खाओ। तो आगे के लिए दो बार ऐसे हो चुका है, तो आगे के लिए हम उसके साथ क्या करें कि ये सब कुछ ना हो, कि उनको ब्लडिंग होती है स्टार्टिंग में, फिर एक दो महीने के बाद फिर बच्चा रुक नहीं पाता है। तो अभी मैडम ने टेस्ट कराई तो ये जांच करवाने को बोली, तो उसमें रूबेला वायरस और ये सब कुछ निकला। तो आगे के लिए मतलब ये क्या करना चाहिए हम लोगों को कि इसके लिए सही हो। ठीक है मैम, बहुत दिन से प्रोग्राम देख रही थी, सोच रही थी कि भाई साहब से कुछ सलाह ले लूं, वो अच्छा मेरे को बताते हैं, फायदा भी खूब होता है मेरे को, हर नुस्खे में फायदा होता है। और मैं जिन जिन को बताती हूँ तो उनको भी सब में फायदा होता है, किसी भी चाहे साइटिका हो किसमें भी। हाँ जी दीपा जी, आप अपना नंबर हमारे कॉलिंग डिपार्टमेंट को जरूर लिखवा दीजिएगा। हाँ हाँ, और ना मैं मतलब रोज 1 बजे टीवी चालू करती हूँ डेली, मतलब मैं पूरे दिन में टीवी नहीं देखती हूँ पर 1 बजे जरूर चालू करती हूँ, शायद मेरे भाई साहब का लाइव प्रोग्राम आए। जी जी हाँ हाँ, चलिए ठीक है जी। देखिए भगवान की माया है कि मुझ जैसा मामूली आदमी को आप भाई कहती हैं और मुझ जैसे मामूली आदमी के मशवरे से आपको फ़ायदा हो जाता है, ये भगवान की माया और आपकी मोहब्बत का ही नतीजा है कि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और वाकई आप बहुत अच्छी लेडी हैं और अच्छे लोग जब भी कोई काम करते हैं तो वो अच्छा ही करते हैं, चाहे अपना फ़ायदा उठाएं और जब खुद फ़ायदा उठा लेते हैं तो फिर दूसरे को फ़ायदा पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही लोग भगवान को पसंद हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा ना उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। खुद फ़ायदा उठाने से इतना खुश नहीं होता भगवान जितना दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने से होता है, अपने लिए दुआ मांगने से इतना खुश नहीं होता भगवान जितना दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करने से खुश होता है। ये भगवान को खुश करने का रास्ता है कि अपने लिए कुछ मत मांगो, दूसरे के लिए मांगते रहो। यकीन रखें जो लोग दूसरों के लिए मांगने वाले बन जाते हैं उन्हें अपने लिए मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान आपको देख रहा है, समझ रहा है और वो उनको भी देगा और आपको भी देगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी आपकी कॉल आती है कि हमारी बहन की कॉल आ गई, ये और बात है हमने उन्हें नहीं देखा, वो तो हमें देख रही हैं, अब भगवान को भी नहीं देखा और बहन को भी नहीं देखा, लेकिन बात तो हो रही है। ऐसी तरह भगवान है कि हमने देखा है नहीं लेकिन सब सुनता है, सब समझता है, मोहब्बत करता है। तो भगवान के रूप में बहन बात कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में हमेशा रहेगा। अब बताइए इनका सवाल, टाइम बहुत कम है, 5 मिनट है। जी जी गोखरू जी, देखिए गोखरू अब वो फट गया है, अब उस जगह पर घी भर दीजिए या मक्खन टाइप की कोई चीज़, घी भी नहीं मक्खन जो आता है ना बाज़ार से मक्खन, वो उसके अंदर भर दीजिए और उस पर आटा लगाकर पट्टी लगाकर उस पर टेप लगा दीजिए रोज़ाना रात को। बस ये अब निकलने ही वाला है, हो सकता है 2-3 हफ्ते लगे, इसे अपना आप निकलने देना। ये फट गया है, अब ये अपना आप निकलेगा, अपनी जड़ छोड़ेगा, इसे उखाड़ने की कोशिश मत करना, अपने आप निकलने दीजिए। तो इसका इलाज तो ये है, ब्लड इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को। हाँ देखिए इन्फेक्शन और महिलाओं को रहते ही हैं, और ब्लड इन्फेक्शन और देखिए कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक वायरस होता है, उसका कुछ भी नाम ले लीजिए, इबोला लो या किसी और गाड़ी का नाम ले लो, लेकिन हर बीमारी का एक अलग नाम होता है। एंटी इन्फेक्शन दवाएं आप लीजिए, डॉक्टरों की ले ही रहे हैं आप, लेकिन नमक जैतून हमारी तरफ से भी लीजिए, नमक जैतून एक चुटकी और ये गोंद मोरिंगा आधा ग्राम,
ये रोज़ाना कम से कम एक बार या दो बार लिया करें, ये बहुत अच्छा है इन्फेक्शन के लिए और प्रेगनेंसी रुकने के लिए बहुत अच्छा है। और प्रेगनेंसी के दौरान आप दो तीन चीज़ों का परहेज करवाना, हल्दी, ये जो हल्दी इस्तेमाल होती है, पपीता और कबाब चीनी, जिसे सर चीनी भी कहते हैं, अक्सर सीख के कबाबों में डाली जाती है या मसालों में, अगर आपके कबाब चीनी हो तो वो मत डाला करें। और ये नुस्खा लेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा भी होना मुमकिन है। एक सवाल इनका ये था कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको ब्लीडिंग हो जाती है बीच बीच में। अच्छा देखिए, ये बहुत होता है कि बच्चियां का प्रेगनेंसी लीक हो जाती है और कुछ लोगों की ये अपनी गलती से होता है, कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं। और इससे दो तीन बातें होती हैं कि एक तो वो महिला, वो बच्ची डरती रहती है कि पता नहीं कब मेरा मिसकैरेज हो जाएगा, तो घबराएं तो बिल्कुल नहीं और बेशतर आराम करें। और आराम भी ऐसा करें कि ज़्यादातर टांगे ऊपर थोड़ी सी रख लें और बाकी जिस्म नीचे रहे, ये हमेशा तो नहीं लेकिन टांगे ऊपर रखने की कोशिश करें। और हस्बैंड से बिल्कुल ना मिलें 4 महीने तक। और 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद और 1 चुटकी गौन चिलगोजा दूध में मिलाकर रोज़ाना रात के समय 1 टाइम लिया करें। जिनको भी प्रेगनेंसी लीक हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे, 1 टाइम रोज़ लिया करें और जब ये बंद हो जाए तो ये नुस्खा भी बंद कर दें जी। एक और सवाल था थैलेसीमिया का। अति मुश्किल मर्ज़ है, जो लोग गोश्तखोर हैं यानी मांस खाते हैं उनको जो पाए बनते हैं, यानी क्या कहेंगे इसको, ये जो हाथ और पैर बकरे के होते हैं, हम तो पाए कहते हैं, हरोड़े या जो भी कहते हो जी, इनको खिलाना चाहिए, खूब खिलाना चाहिए, बच्चे हो या बड़े हो ये खिलाने चाहिए। और जो लोग मांस नहीं खाते उनको ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए जिसमें लुआब होता है, जैसे उड़द की दाल, राजमा, जो पंजाबी लोग राजमा खाते हैं वो खूब पतला सा बना के और खूब पका के, खूब गला के खिलाना चाहिए, तो इससे भी फ़ायदा लेकर देख लें। अगर ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो फौरन कांटेक्ट करें जी।